खजूरी ग्राम पंचायत के इस विकास के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में केसरा पाटन की यशस्वी विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, इस ग्राम की सरपंच श्रीमती रेशमा मीना जी, मेरे सभी गांव के पिता तुल्य भाई और बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये विद्यार्थी जो नई आंखों में सपने लेकर आए हैं, इस आकांक्षी भारत के अंदर जहां गांव के अंदर भी अब विकास की गति बढ़ रही है, इस विद्यालय को जब मैंने बाहर से देखा तो मुझे लगा कि कोटा में भी निजी विद्यालय भी ऐसा नहीं हो सकता वैसा सरकारी विद्यालय। और इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला वह किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जो बहुत अपेक्षा लेकर बैठा है, बहुत आकांक्षा उसके मन में है कि मैं गांव में तो पढ़ता हूं लेकिन गांव में पढ़ने के बाद भी मैं देश और दुनिया की पढ़ाई मेरे गांव में बैठकर कर सकूं, इस सपने को भी पूरा होना चाहिए। और इस सपने को हम पूरा करेंगे। यहां पर एक बढ़िया स्मार्ट क्लास बनाएंगे। उस स्मार्ट क्लास के माध्यम से गांव में बैठकर बच्चा कोटा से कोचिंग करने पढ़ाने वालों को शिक्षा प्राप्त कर सके, दुनिया के देश के बढ़िया ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाने वालों की शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके मन में अभी से स्किल डेवलप हो, मुझे किस क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र में बढ़ना है, बाल्यकाल से उसके मन में सपने होने चाहिए कि मेरे पिताजी ने, मेरी मां ने जो सपने मेरे देखे हैं उस सपने को मैं गांव इस ढाणी में बैठकर पूरी करूंगी, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और मैं यहां बैठकर देख रहा हूं मेरे बेटे बेटियों को जिनमें उत्साह है, चमक है, आत्मविश्वास है, बदलते भारत की तस्वीर को देखना चाहते हैं और इस बदलते भारत के अंदर हमारा नौजवान जो युवा है, सामर्थ्य है, इनोवेशन करने की नई क्षमता है, अपने जीवन में कुछ नए करने का अद्भुत आत्मविश्वास है, उसको हमारे सहयोग से बच्चे पूरे करें। और इसलिए मैंने स्कूल तो देखा, जो स्कूल में देखा मैंने कहा बाउंड्री वॉल बिना दिक्कत आएगी, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न था कि बाउंड्री वॉल शुरू होगी नहीं होगी। मुझे बताया कि बाउंड्री वॉल के लिए 15 लाख स्वीकृत हो चुके हैं, बहुत जल्दी इसकी बाउंड्री वॉल भी बन जाएगी। जब बाउंड्री वॉल बन जाएगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और इसी तरीके इस गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है, एक एक पंचायत में 3-3 करोड़ के काम, ये नए भारत की तस्वीर देख रहे हो आप। कोई समय था कि गांव में 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी कि मां का गांव में 5 लाख लग गए। पहले जब सामुदायिक बोर्ड के पैसे मेरे पास मांगने आते थे तो 5 लाख दे दो साहब, 10 लाख दे दो, 10 लाख से बड़ी सीमा नहीं हुआ करती थी।
अब सामुदायिक भवन बनेगा तो 20 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बनेगा। हम चाहते हैं कि गांव का आधारभूत ढांचा विकास, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, उनको मूलभूत सुविधा गांव के अंदर मिले। मुझे पता है कि गांव के अंदर पिछली बार बिजली विभाग के द्वारा पक्षपात किया जाता था। मैंने कह दिया यहां पर इस इलाके के अंदर एक नया 132 जीएसएस का सेंटर बनना चाहिए, राज्य से क्या प्रस्ताव बनाकर भेज दो, दिल्ली से शिरकत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि इस इलाके के अंदर जब पानी नहीं पहुंचा तो बिना ट्रिपिंग के लोगों को बिजली मिले, तो यहां का किसान आत्मनिर्भर हो सके। पिछली बार जब हमने कोटा में किसान मेला लगाया था, लोगों से आग्रह किया था कि हमें नई तकनीकी की आधुनिक खेती का भी बदलाव करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जो लोग मेले में आए थे वह अलग अलग मेरे पास आकर मिले हैं दिल्ली में। मैंने कहा इलाके में आप जाकर देखो किस इलाके की जमीन और जमीन के साथ पानी, और उसके बाद हम किस तरीके की नई खेती कर सकते हैं, ताकि जो किसान सपना देख रहा है कि मेरी आमदनी दुगनी हो, उसको पूरा करने का प्रयास करो। मेरा गांव का किसान आपके साथ सहयोग करेगा। मेरे गांव में कुछ लोग लगाएंगे, देखो एक दिन तो परिवर्तन हो कोई ना, मुखियों का सब एक साथ लगा लो तो कोई मानेगा कोई ना, काय हो साफ खड़ा हो जाओ जमीन काय हो जाओ, लेकिन एक गांव के अंदर दो तीन लोग लगा होगा, मैं देखेगा यार की इनकम ठीक होगी, अपन ही को लगानी चाहिए। ऐसे एक एक गांव के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको देखकर दूसरे लोग भी करेंगे। मुझे पता है कि मैं एक साल दो साल में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे परिवर्तन करने का तो प्रयास करना पड़ेगा ना। कब तक मेरे किसान को ऐसे देखता रहूंगा कि ओलावृष्टि हो जाए तो फसल नष्ट, शीतलहर आ जाए तो फसल नष्ट, अकाल पड़ जाए तो फसल नष्ट। कम से कम किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, हम बदलते भारत की तस्वीर को नहीं देख सकते। गांव के अंदर कस्बे का व्यापारी भी जब पैसा कमाता है, जब किसान के पास आमदनी ठीक होती है, क्यों जो सेठ जी आपके पास फसला ठीक हो जाए तो इनकम भी ठीक होगी, और फसलें अच्छी नहीं होती तो बाजार बंद हो जाता है, लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए मेरा जोर सबसे ज्यादा है किसान की आमदनी बढ़ाने का। मुझे याद है कि एक लंबा सफर है, मुश्किल और कठोर सफर है, जिनको 100 साल 150 साल में कुछ बदलाव नहीं हो सकता, उसको बदलाव का सपना देखना बिरला जी अजीब सी चीज है, लेकिन मैंने भी फैसला किया है बदलाव करूंगा। आज नहीं 5 साल बाद देखते किसानों की, इलाके की किसान की हालत, देश के अन्य किसानों को बताऊंगा कि देखो कैसे हमने बदलाव किया। मैं जब भी दिल्ली में बैठता हूं, मेरा 1 घंटे का समय केवल किसान खेती के अंदर ही, जो भी विशेषज्ञ आते हैं उनसे चर्चा में बीतता है। मेरा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने कहा कि साहब ये घास उगा दो तो मेरी गारंटी है 50,000 रुपए बीघा की इनकम में दूंगा। मैंने कहा आ जाओ चेक करो, 10 खेतों के अंदर करो, मिनिमम 10,000 रुपए उसको दे दो, खराब हो जाए तो कम से कम 10,000 कमाए, इतना पैसा मिल जाए उग जाएगा तो किसान आगे उगा लेगा। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर के साथ उसका वैल्यू एडिशन गांव में करना पड़ेगा। जिस मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की चीजें यहां बनना शुरू हो, ऐसे बहुत सारे बदलाव है जो बदलाव करने की आवश्यकता है। लेकिन आप निश्चित मानिए, आपने हमें बड़े विश्वास भरोसे के साथ भेजा है, मेरा आपके बीच में आना जाना कम हो एक अलग बात है, क्योंकि और जिम्मेदारी भी आपने मुझे दी है।
कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जो लोग बात कहते हैं उनकी बातों को भी पूरी हो, ये जिम्मेदारी में दी है। क्योंकि देश भर के संसद सदस्य हमारे सामने बात रखते हैं, उस बातों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए समय कम मिलता है, लेकिन मैं काम जितना समय मिलता है उस सारे समय में कोटा बूंदी के लोगों के लिए बिताता हूं, नई नई चीज करने की कोशिश करता हूं, आज नहीं कल परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप निश्चित रहे, छोटी मोटी समस्याएं तो विधायक महोदय साहब देख लेंगे, मुझे बड़े काम करने दो, छोटे काम में उलझ जाऊंगा तो जीवन लोगों का बदल नहीं पाऊंगा, बड़ा काम करना है ताकि बड़ा बदलाव आए। इसलिए जो हो सकता है छोटे काम भी करते हैं। मैंने सरपंच साहब से पूछा आपको कमी है क्या, कोई ना कमी, और कमी होगी तो अपनी बात पूरा करें, ये कमी लेके फिर आ गए। अब चार दीवारी बनी तो चार दीवारी का सिंहद्वार बने, बाकी सब एमएलए साहब को देता हूं। ये बच्चों का शौचालय नहीं, शौचालय एमएलए साहब 3 लाख रुपए दे देंगे, शौचालय बना देंगे आपका। महिलाओं के शौचालय में कोई कमी नहीं है, आपका बना दो शौचालय, बना देना शौचालय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम शुरू कर देना शौचालय। महिला शौचालय के अंदर कोई किसी पैसों की कमी नहीं आएगी। सब हो जाएगा, विधायक महोदय, सरपंच साहब, जिला परिषद मिलकर सब कर लेंगे। दिल्ली में माडा का पैसा मैंने 80 लाख स्वीकृत करा दिया है यहाँ पे, जिसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। स्मार्ट क्लास और मैं मेरी तरफ से शुरू करा दूंगा कि स्मार्ट क्लास यहाँ पर लगे, बाकी बच्चों को अच्छी शिक्षा हो। इसके लिए जितना भी 4-5 लाख रुपए या जितना भी खर्चा आएगा उसका खर्चा हम दे देंगे। आप स्मार्ट क्लास की तैयारी कर दो और हमें एस्टीमेट देना उतना बना देंगे। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद रहे, प्यार रहे और सब स्वस्थ रहे। शिक्षा और स्वस्थ और आमंदी, 3 विषय पर काम करना है। इसलिए मोबाइल वैन चलती रहती है, गांव गांव में घूमती रहती है, हर व्यक्ति के गांव में जाके देखती है, कोई कमी बेसी हो तो उसको बेहतर इलाज कराता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और आमंदी, 3 विषय हमारे एजेंडे के। उस एजेंडे पर 5 साल काम करना है, 5 साल बाद जब आपके बीच में आएंगे तो बदलाव की ताकत लाएंगे, नया कुछ करके लाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।